भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में भी प्रदर्शन कर रही है क्या कि चौपाई हटाने की जो बात की गई है और शूद्रों की जो बात आ रही है उसमें भी राजनीति, और दूसरा ब्रिजमोहन जी ने आपसे माफी मांगने तक की बात कर दी। देखो, अपनी लड़की की शादी करे हो और इधर उधर ध्यान मत भटका है, जो बात बोला नहीं है उसको वो बोल रहे थे। मैंने विनोबा जी के उद्धरण, और किसी मीडिया ने वो लिखा नहीं है, विनोबा जी ने कहा कि जितने भी उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा या मैं जो कह रहा हूँ उसको शब्दशः मानने की ज़रूरत नहीं है, या जो दर्शन है उसमें जो बातें शब्दशः मानने की ज़रूरत है उसकी गुण विवेचना करके उसको स्वीकार करो, ये बात उन्होंने कही है। अब इसमें गलत क्या है? अब भाई, रामायण में बहुत सारी बातें हैं, माता पिता की बात मानना चाहिए, वो तो रावण तक सम्मान किए, अपने भाई को भेजे, लक्ष्मण जी को भेजे कि जाओ उसे ज्ञान लेकर आओ, तो उनका भी सम्मान करते थे राम। और दूसरी बात यह है कि उसमें कहा कि माता पिता की बात मानना चाहिए, अब जिसके माता पिता नहीं है कैसे करेंगे फिर? तो सब चीज़ को, रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कोई बात आपके लिए उपयुक्त होगा, कोई बात मेरे लिए उपयुक्त होगा, कोई इनके लिए, तो उसको एक चौपाई को आप ले के चल ले तो पूरा जीवन आपका सफल हो जाए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, एक चौपाई। और कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं, रोज़ पैर छूते हैं, ऐसे बताए गए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने माँ बाप से अलग नहीं रहते या अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल दिए, ऐसे हैं? यदि वो माँ बाप के साथ रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं और घर से नहीं निकाले हैं या उसको छोड़ नहीं दिए हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए, निकाल दीजिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों को, निकाल देना चाहिए। जो रामायण में जो बातें हैं वही बात को पूरा पालन करते हों, कोई पति छोड़े हैं, कोई पत्नी छोड़े हैं, कोई भाई छोड़ा है, कोई माँ बाप को छोड़े हैं, तो रामायण एक दर्शन है जो हम लोग को समाज को एक रास्ता बताते हैं, उसके मीन मेक निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो अच्छी बात है उसे स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब इसमें कौन सी गलत बात बोल दिया जिसमें ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इनको तो राजनीति के अलावा, देखिए ये मैं कल भी बोला था, और यह है ना, वो भी अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, उसे राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, वो अपना वोट बैंक संभाल रहे हैं, और इधर योगी आदित्यनाथ रामायण जलाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, भगवान राम से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। 15 साल तो रहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी मंत्री, कौन सा राम वनगमन पर्यटन पर्वत बना लिया, हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, और उसको मेला को वो क्या बना दिए थे, कुंभ, चार ही कुंभ होता है, पांचवा कुंभ बना दिए थे, आज वास्तविक स्वरूप आया है। तो यहाँ की जो संस्कृति है बिगाड़ने का काम तो ब्रिजमोहन ने किया, और आज ज्ञान बता रहे हैं, तो पहले वो घर की शादी उदी निपटा ले, उसके बाद फिर बात कर ले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।